खबर आगरा से है। सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग की खबर मिल रही है। कुटिया में दो सिलेंडर रखे थे और बड़ा हादसा टला है। लोगों ने खुद पानी डालकर इस आग पर काबू पाया। थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये मामला, ये देखिए आप, ये सड़क के किनारे ये बाबा का कुटिया टीन शेड दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी टीन शेड में दो सिलेंडर रखे हुए थे। यहाँ पर लोगों ने आग को देखा और खुद से सक्रियता दिखाते हुए इस आग को बुझाने लगे, और वक्त रहते इस आग को नहीं बुझाया जाता तो दो सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद कुछ और तस्वीरें होती। आगरा कैंट रोड का ये मामला है। सड़क के किनारे ये बाबा की कुटिया है जिसमें आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने वक्त रहते इस आग को बुझाया। अंदर कोई नहीं है, लोगों की सक्रियता से इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि बताया जा रहा है इस कुटिया के भीतर कोई नहीं था, लेकिन हाँ दो सिलेंडर जरूर थे जिनके फटने से बड़ा धमाका हो सकता था। लोगों ने यहाँ पर वक्त रहते इसे बचा लिया। देख सकते हैं लोग घड़ों से पानी डालते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये कुटिया छोटी थी, सड़क के किनारे मौजूद थी। जैसे ही आग लगती दिखाई दी, लोगों ने सही समय पर इस पर काबू पा लिया। बड़ी खबर मिल रही है बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनीज पर एक्शन की खबर है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर यह एक्शन लिया गया है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, यहां इस पर जेसीबी चला करके इस निर्माण को गिराया गया। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। पीला पंजा चलता आपको दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है ये जेवर रोड पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी को बनाया जा रहा था। काफी हद तक बनाया भी गया है। देखिए मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी छत दिखाई दे रही है, और इन सब पर अब जेसीबी चला करके इसे तोड़ा गया है। बुलंदशहर में अवैध रूप से ये कॉलोनीज बनाई जा रही थी, डेवलप की जा रही थी, लेकिन वक्त पर जब इनकी जांच पड़ताल हुई तो पाया ये गया कि कॉलोनी के नक्शे नहीं थे, ना पास थे। ऐसे में इन पर एक्शन लिया गया। खबर नोएडा से है। सेक्टर 29 में कुत्ते का महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड मेजर जनरल की बेटे की पत्नी को कुत्ते ने काटा है। महिला ने कुत्ते पालने वाले के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजीव चौधरी का यह कुत्ता बताया गया है। पुलिस ने धारा 289 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है। ये देखिए तो देखिए जैसे ही ये महिला सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है, अचानक से अपने पैर को पकड़ करके रुक जाती है, तो ये होता है। ये देखिए दरवाजे से निकलते ही कुत्ते ने हमला बोल दिया महिला के पैर पर। सेक्टर 29 स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में एक सूचना आई कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब की पुत्र वधु को उनके जो पड़ोसी हैं उनके डॉग ने बाइट किया। डॉग की उम्र करीब 1.5 साल थी और बीगल ब्रीड का था। सूचना मिलते ही तुरंत ही जो विक्टिम थी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, और उसी समय स्वतंत्र धाराओं में थाना 20 में FIR दर्ज की गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।